जावेद कोडू सर, मुझे ये बताएं आप कि हर बड़ा आदमी ना बीगी बिल्ली बन जाता है जब शादी होती है। आप बहुत बड़ा नाम होंगे भाई, बीवी के सामने सभी छोटे हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, डांट वांट पड़ती थी स्टार्ट पे अभी या कभी भी? क्या मेरे माथे पे शेर लिखा हुआ? ये जो बीवियां होती है ना, ये पता क्यों खुश होती हैं? मैं भी बड़ा खुश हो रही हूँ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना आप क्यों खुश हो रही हैं। आपकी कोई बीवी नहीं है। ये मेरा शौहर है, मेरा शौहर है। उनसे पूछें जिन पे ये बीत रही है। सलमान, आप पे तो नहीं बीत रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कहाँ मानेंगे अब बीत रही है भाई? नहीं नहीं, क्यों बीतनी है? सही कह रहा है, घर में को समझ आ रही होती है कि डांट वांट पड़ रही हो इसको बहुरानी से? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन हालात हो भी सकते हैं। अच्छा, आपके साथ कब कब ये हालात हुए? ये बता तो, दें, अब तो बता दें। जब आंधी आती तो सारी तरफ आती है। ये छुपाने वाली बात नहीं है। ये आंधी किन किन मौकों पे आई है ये बताएं आप। बस जिन जिन मौकों पे आंखें बंद शेयर कर ले ना, थोड़ी सी चीज तो शेयर कर ले, किन किन मौकों पे आई है ये आंधी और सब कुछ उड़ा के ले गई है। नहीं, सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ। कोडू साहब के दिल के जो है ना तार हिला के गई होगी ये आंधी। जरा शेयर कर लेना हमारे साथ। तो मैं कोई एक बात है बता। मैं अपनी बेगम को कह रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह अब तो अल्लाह ने तुझे नानी बना दिया, दादी बना दिया। अच्छा, तो ये तो खुशी वाली बात है। तो आगे से कहने लगी, हाँ आप तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैंने कहा भाई ये तो खुशी की बात है। तो आपने क्यों उनको तरीके से बताया कि नानी? आप खुद कहते हैं ना माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे नाना दादा बना दिया हुआ है। ख्वातीन की उम्र पे नहीं जाते होते कभी भी जावेद कोडू साहब, आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, तरीके से बताया ना आपने कि तुम बूढ़ी हो गई हो। जावेद साहब, सुहेल अहमद साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बातचीत करें उनसे फिर। ये तो नेकियों के जिन है जी। तो आप ही पूछिए। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है हुजूर, ठीक ठाक हैं? ये जनाब ऐसी हस्ती हैं, ये जब तक कोई कम से कम 200 नेकियां एक दिन में ना कर लें इनको नींद नहीं आती। ये तो आप तारीफे कर रहे हैं ना सुहेल साहब की, तो मैं सुहेल साहब से आपके बारे में भी पूछ लेती हूँ। पूछ ले, ये अपने बारे में नहीं बताएंगे, पूछ ले। अच्छा सुहेल अहमद साहब, आज आप 92 पे बैठे हुए हैं, कोडू साहब स्कूल से छुट्टी की है? आज मुझे भी लग रहा है स्कूल से छुट्टी करके आए हुए। नहीं, पहले ही तालीम का बेड़ा गर्क हो रहा है, इस तरह ना किया करे कोडू साहब। हाजी साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि काफी स्टेडियम बंद है, अपने मुंह को भी चेक कर लीजिए। कहीं दो चार ताले इधर ही ना भूल गए हो। ये जी जावेद कोडू साहब जो है ना जी, ये हमारी कौम के लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। बहुत, मैं ये समझता हूँ कि अगर इनकी जिंदगी को गौर से देखा जाए तो हमें ये नसीहत मिलती है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है और जिस हाल में हो वो अपने हाल में रह के बहुत कुछ कर सकता है, बड़ी कामयाबियां समेट सकता है। ये हमारा पाकिस्तान का वो स्टार है जिसने, मैं समझता हूँ कि सड़कें बंद करवाई हुई हैं, इसके इसकी मोहब्बत में लोग इस तरह बाहर उमंड आते थे कि सड़कें बंद हो जाती। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे पास, हमारी कौम के पास, हमारे नौजवानों के पास, कि आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। बिल्कुल सुहेल साहब, ये प्यारा मेरा तो बड़ा प्यारा दोस्त है जी। मुझे असल में हाजी साहब, मुझे अंदाजा हो रहा है आपकी और जावेद साहब की जो गुफ्तगू चल रही है ना, उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि माशाल्लाह से कितने अच्छे करीबी दोस्त हैं आप और सुहेल साहब। जावेद कोडू साहब हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ही कीमती सरमाया है। नो डाउट, नो डाउट, बहुत बड़ा फनकार है ये हाजी साहब, आपका प्यार है ये मुझे बड़ा मतलब प्यारा है, बड़ा ही मोम दिल का बंदा है। मैंने जावेद को ऐसी ऐसी सूरत हाल में देखा हुआ है कि मैं हैरान हो गया कि ये छोटे से पैकेट में कितनी बड़ी प्रोडक्ट है हमारे। छोड़ेंगे नहीं आप सुहेल साहब, छोड़ेंगे नहीं आप, यानी कि जाते जाते बातें करते जाएंगे इन पे। बड़ा ही मुझे बड़ा प्यार आता है इस पे कि ये एक बहुत बड़ी मिसाल है इंसानियत की।
बिल्कुल बिल्कुल मुझे मुझे सर साहब बिल्कुल सर साहब जितनी प्यारी और अच्छी करीबी दोस्ती मुझे समझ आ रही है ना इस वक्त आपकी और जावेद कोडू साहब की, तो मैं चाह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम टीवी पे देखते हैं मगर हकीकी ज़िंदगी से ओझल होती हैं, बहुत सारे वाकयात हमें नहीं पता होते। आप लोग तो एक साथ होते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे को बड़ा करीबी तरीके से जान रहे होते हैं, बड़ा करीब होते हैं एक दूसरे के, तो कोई वाकया हमारे साथ आप अगर जावेद कोडू साहब का शेयर करें, कुछ बताएं हमें कि ये किस तबीयत के मालिक हैं, क्या इन्होंने कब क्या क्या भंड मारे, क्या कुछ नया किया इन्होंने। ये जब इनका वो सीरियल चला ख्वाहिश, तो ये हर तरफ जुबान ज़दे आम हो गए हुए थे और हर आदमी इनका फैन था। और मुझे याद है कि एक मुल्तान की कोई पार्टी थी जो इनसे ड्रामा करवाना चाह रही थी, तो ये इतना मासूम आदमी था कि इसे ये नहीं मालूम था कि मैं जो इतना पॉपुलर हो चुका हूं और जो मेरा वक्त माशाल्लाह इतना अच्छा शुरू हुआ है, मैंने इसको सेल कैसे करना है। तो इसने, मेरा जो ये दोस्त है, इसने मुझे बताया कि अपना बंदे कोई है मुल्तान के, तो वो मुझे आस्क करना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे कितने पैसे मांगू। तो मैंने कहा कि आप उनकी मेरे साथ बात करवाइएगा वो जब आएंगे। तो वो अल्हम्रा में आए, तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए, तो ये मेरे पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे। तो ये गाड़ी में अक्सर बैठे हुए भी खड़े ही होते हैं। तो वो उससे, उस बंदे से मैंने बात शुरू की, तो मैंने जितने पैसे उसको बताए इनके, उसके लिए तो वो इतने ज्यादा नहीं थे, इसके लिए इतने ज्यादा थे कि ये उछल के मेरे कंधों पे आ गया पीछे से। तो ये दबाना शुरू हो गया कि ये इतने ज्यादा क्या थी। तो वो उस बंदे ने बड़े आराम से कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, हम इतने ही दे देंगे। फिर मैंने उसे ये भी कहा, मेरे जहन में आया कि ये वहां कहीं जाए जावेद शो करने के लिए, तो वो ड्रामा करवा के इसे 10 रुपए की टाफियां लेके घर ना भेज। तो मैंने कहा जी कि आप सारे पैसे इधर देंगे तो फिर ये जाएगा। ये फिर एकदम बेचारा माजरत के साथ मेरे सुहेल अहमद साहब से हमारा रब्ता, मन को इतने खूबसूरत वाकया बता रहे थे। हाजी साहब माशाल्लाह बड़ी गाड़ी में भी बैठे हो तो लगता है 2 बम्पर वाली गाड़ी है। आपने आपने बड़ी प्यारी बात की, मगर सुहेल साहब के साथ हमारा रब्ता इस वक्त जो है ना मुनकता हो चुका हुआ है। वो हाजी साहब ना बड़े, मतलब वो हल्की सी बात करके वो असल में अपनी नेकियां छुपाना चाहते हैं। अच्छा जी, तो हम कोशिश कर लेते हैं सुहेल साहब से दोबारा रब्ता हो जाए। तो अभी अभी आप मुझे ये कि सुहेल साहब ने तो कोई यादगार वाक़ा बताया, आप कोई यादगार वाक़ा किसी भी, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ आपने काम किया माशाल्लाह, किसी के साथ कोई यादगार वाक़ा जो आप आपने भी बड़ा इंजॉय किया हो जिसको। मैं ना जी, ये सुहेल साहब के ही एक प्रोग्राम था मुल्क से बाहर। अच्छा, तो बर्फ़ पे हमें चलना नहीं आता था, ये चूँकि आदि थे तो मुझे नहीं चलना आता था, तो खालिद मुइन भट्ट साहब बिल्कुल और हाजी साहब, ये चूँकि माशाल्लाह हाइट वाले, आगे पीछे से मैं गिरता था यहाँ से। अच्छा, तो उस दिन मुझे हाजी साहब ने कहा कि तूने खालिद साहब के साथ जाना। अच्छा, तो खालिद साहब ने भी कहा जावेद तूने मेरे साथ जाना। आगे पीछे मैं गिरता था यहाँ से, उस दिन मैं गिरा वहाँ से। तो नीचे बर्फ तो ऊपर में, तो फिर मुझे समझ आ गई कि चलना अपना अपना, चलना भाई अपना अपना ही होता है। बिल्कुल। तो सलमान आप मुझे बताएं, आपको पापा का कोई ऐसा वाकया याद हो करियर के हवाले से जिसको आपने बड़ा एंजॉय किया और फिर फैसला कर लिया हो कि भाई इसी फील्ड में जाना है मुझे भी। एक याद है, पापा बताते हैं कि मैं हम बाहर गए हैं तो माइनस पता नहीं 15 था कि 16 था, आई डोंट नो। तो इन्होंने ना अंग्रेज़ देखे हैं कि उन्होंने ना शॉर्ट्स पहनी हैं। अच्छा, तो इनका क्या दिल किया है कि ये भी शॉर्ट्स पहन के उनके पास चले गए। अच्छा, तो जो इनके साथ सीनियर थे वो इनको पीछे से गालियां दे रहे हैं, ओए तू तो इधर आ, तू तो हमारे साथ आया, ऐसे ऐसे। तो यूँ तो वो इनसे नाराज़ हो गए कि तूने हमारी तोहीन की है, कपड़े क्यों उतार के गया वहाँ पे। अच्छा, हम यहाँ पे चार चार जैकेटों में बैठे हैं और तो तू ये शॉर्ट्स पहन के आगे चला गया। तो ये वो ये उन इनकी उनके साथ नाराज़गी होगी। तो आके बताया, फिर कहते हैं कि उसी लम्हे में ना
एक पूल था कि उसमें मैं छलांग मार के ना गरम गरम पानी था तो नहा के निकलना बड़ा मज़ा आना। एक दिन ऐसा हुआ कि पूल में पानी नहीं था तो पापा ने छलांग लगा दी देखे बगैर पूल के अंदर खाली छलांग लगा दी तो वो पापा की वो लात टूट गई, वो फ्रैक्चर हो गया होगा।